नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैंने पिछले हफ्ते में निफ्टी के ऊपर एक इंडिकेटर क्रिएट किया है, जो कि पोजीशंस के बेसिस के ऊपर होता है, जो कि ऑप्शन चेन की पोजीशंस होती हैं। और मैंने पिछले पूरे वीक, मतलब लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन, जो पूरे के पूरे 6 घंटे के ट्रेडिंग सेशन थे, उसके अंदर मैंने उस इंडिकेटर को टेस्ट किया है और वो टेस्टिंग पूरी सक्सेसफुल रही है। तो अब मंडे से मैं, जो लिमिटेड लोग हैं मेरे, जो मेरे लिमिटेड लोग हैं अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर, उनको मैं एक्सेस देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आपको ये बताएगी कि जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तो आप उस इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। और जो इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी निकल के आई है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वो एक्यूरेसी तकरीबन 90% की है। तो ये हमेशा आपको सही एडवाइस जरूर देगा और आपको बस ये समझना है कि ये आपको यूज कैसे करना है। तो अभी इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि हम कैसे उसको यूज करें। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर ही खोल लेते हैं और साथ में निफ्टी का चार्ट भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है देखने को, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि जो पहली कैंडल आपको ये वाली दिखेगी, ये आप खुद चेक कर सकते हो, 9:15 की है और ये 20 तारीख की है, यानी कि ये फ्राइडे की कैंडल है। और मैंने यहाँ पे केवल और केवल एक 9 दिन का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, जो कि मैं हमेशा लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको मंडे से निफ्टी का प्राइस चलता हुआ दिखेगा 5 मिनट के ऊपर, साथ में सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आपको पहले से ही ड्रॉ मिलेंगे, जो कि मैं हमेशा अपने लिए रखता हूँ नेक्स्ट दिन के लिए क्रिएट करके। तो वो सपोर्ट रेसिस्टेंस की लाइंस भी आपको दिखेंगी पहले से ही, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, और निफ्टी का जो चार्ट होता है वो राइट हैंड साइड के ऊपर चलेगा। दोस्तों, साथ में आपको ये स्क्रीन भी मिलेगी मंडे से, ये वाली स्क्रीन जो कि एक इंडिकेटर की स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर और निफ्टी दोनों साथ के साथ चलते रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो भी आपको एक्सेस दिया जाएगा उस एक्सेस के थ्रू। तो यहाँ पर आपको कैसे ये काम करना है, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रह गई थोड़ी सी भी, तो आपका यहाँ पर कंफ्यूजन के दौरान, कंफ्यूजन होने की वजह से आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो चार्ट है वो लेफ्ट टू राइट चलता है निफ्टी का, investing.com के ऊपर लेफ्ट टू राइट चलता है, क्लियर। और जो ये पोजीशंस का डाटा है, ये राइट टू लेफ्ट चलता है। पहली चीज तो ये याद रखने वाली है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये चार्ट इस तरफ चल रहा है तो ये चार्ट भी इस तरफ ही चलेगा। नो, ये अपोजिट चलता है चार्ट। आई होप आई एम क्लियर। तो ये पहली चीज है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आप देख सकते हो कि यहां पर जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है पोजिशन वाली, आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा भी, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, एक मिनट रुकिए। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए यहाँ पे, तो कल से आपको ये बड़े फॉन्ट में ही मिलेगा। ओके, डन। तो नाउ यू कैन सी कि जो ब्लू लाइन है, दैट इज इंडिकेटिंग द पोजीशंस, यानी कि जो ये ब्लू लाइन चल रही है, ये पोजीशंस के बेसिस के ऊपर चल रही है। पोजीशंस अगर वीक होती हैं तो ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और अगर पोजीशंस स्ट्रांग होती हैं तो ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, और ये राइट टू लेफ्ट चलती है, उल्टी चलती है ये, ठीक है, इसके अगेंस्ट चलता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो आप चेक कर सकते हो कि वो ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो इंडेक्स की लाइन है, ठीक है। इंडेक्स मतलब जो ये निफ्टी का चार्ट जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ये इंडेक्स चल रहा है, क्लियर। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये दूसरी चीज थी जो कि आपको ख्याल रखना है। अब आप ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है, अब आप ट्रेड कैसे लेंगे। तो ये 9 दिन की जो मूविंग एवरेज है, इसका तो आप रूल जानते ही हैं कि जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इसको कट करती है, तो आपको यहाँ पर ऊपर से कट करके नीचे की तरफ आती है, तो आपको यहाँ पे
सावधान हो जाना है, जैसे कि यहाँ पर स्कैंडल के साथ हुआ कि इस स्कैंडल ने यहाँ पे कट किया और उसके बाद देख सकते हो आप मार्केट नीचे आ गई। तो जैसे ही कट करेगी 9 दिन की मूविंग एवरेज, यहाँ पर भी कट किया, ठीक है, तो जैसे ही 9 दिन की मूविंग एवरेज को कट करता है मार्केट, तुरंत आपको पोजीशंस देख लेनी है। आप चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यहाँ पर 9:45 के ऊपर, 9:45 के ऊपर, ठीक है, पोजीशंस ने, वो सॉरी मार्केट ने नीचे की तरफ कट करके 9 दिन के मूविंग एवरेज को जाने की कोशिश की पहली बार, ये पहला अटेम्प्ट था। नाउ यू कैन सी कि वहां पर मार्केट की पोजीशंस किस लेवल की थी। यहाँ पर आपका, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलता है ये पोजीशंस का डाटा, तो यहाँ नाउ यू कैन सी सुबह सुबह जो पोजीशंस थी वो डिक्रीज होना शुरू हो चुकी थी, यहां से घट के पोजीशंस यहाँ पर आ चुकी थी, डिक्रीज हो रही थी। तो ये पोजीशंस का डाटा है और पोजीशंस ने पहले ही बता दिया था कि पोजीशंस का स्लोप जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो पहली बार जब मार्केट यहां पर इसने कट करके यहां नीचे की तरफ आया है मार्केट, आप खुद चेक कर सकते हो कि जब ये पहली बार मार्केट नीचे की तरफ कट करके आया है यहां पर इस पॉइंट के टाइम के ऊपर, तो तब ऑलरेडी पोजीशंस ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया था और मार्केट भी नीचे की तरफ कट करके गई थी। तो यानी कि जब पहला ही इंडिकेशन मिल जाए आपको 9 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर कैंडल कट कर रही है और उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर पोजीशंस भी डिक्रीज कर रही है जैसे कि यहाँ पे कर रही है, तो इट इज द कन्फर्मेशन कि भाई आपको बुलिश नहीं रहना है, आपको बुलिश नहीं रहना है दोस्तों। क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया है। अब देख सकते हो आपको सेकेंड टाइम यहां पर कट किया, तो यानी कि एक बाउंस लिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट यहाँ पे देख सकते हो आप बाउंस आया है, उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा है। नाउ यू कैन सी कि यहां पर आपको सिंपल सी बात है देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने बाउंस किया है लेकिन पोजीशंस ने बाउंस बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। पोजीशंस यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जो है इंक्रीज नहीं हुई, पोजीशंस यहाँ पर डिक्रीज ही हुई हैं। तो पोजीशंस डिक्रीज हुई है लेकिन मार्केट बाउंस किया है, तो क्या है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट था। तो इस तरीके से आप पहचान जाओगे खुद बे खुद के ये जो मार्केट ऊपर गया है एक बार नीचे गिरने के बाद, जब ये मार्केट ऊपर गया है तो दिस वॉज द स्टॉप लॉस हंटिंग। तो आपको कोई भी ऐसा मूव नहीं कैप्चर करना है इस इंडिकेटर को देखने के बाद अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो पोजीशंस के अगेंस्ट चल रहा हो। यहां पर देखिए पोजीशंस के अगेंस्ट में मार्केट ऊपर उठा, तो इस मूव को आपको कैप्चर नहीं करना है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूव था, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट में कंसोलिडेशन भी होता है, यहां पर कंसोलिडेशन हुआ मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर उठा है, ठीक है। तो मार्केट जब नीचे गिर जाएगा, जब मार्केट अपना बॉटम बना लेगा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट बॉटम बना चुका है, इसका भी ख्याल रखिए कि मार्केट में आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट बॉटम बना चुका है। ध्यान से समझिएगा, ये इंडेक्स की लाइन है ग्रीन कलर की, मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया, आपको लाइन दिखती रहेंगी, ये जो हल्की हल्की लाइन दिख रही है ना, ये आपको दिखती रहेंगी। तो नाउ यू कैन सी कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया था और उसके बाद पोजीशंस ने भी अपना बॉटम बनाया है यहीं पे, क्लियर। बॉटम बनाया है मार्केट ने भी और पोजीशंस ने भी अपना बॉटम यहाँ पे बनाया है। अब पोजीशंस जो हैं, अब खुद चेक कीजिएगा यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग पहचानना बता दिया मैंने, मार्केट क्यों गिर रहा था, पोजीशंस को देख के आप समझ जाओगे कि मार्केट को नीचे गिरना ही था, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट कहां तक गिरेगा, कैसे पता लगेगा कि मार्केट का जब बॉटम बना, तो आपको देखना है कि ये जो बॉटम बना है मार्केट का, पोजीशंस का सॉरी, ये भी क्या बॉटम के एज ए बॉटम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मार्केट यहां पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन में था, यहां से लेके और यहां तक, ये तकरीबन आप 11 बजे से लेके, और आप खुद चेक कर सकते हो कि मार्केट 11 बजे से लेके और 12:30-1 बजे तक कंसोलिडेशन के अंदर था, 12:30 बजे तक 1.5 घंटा कंसोलिडेशन चला है। 1.5 घंटे में मार्केट ने फ्लक्चुएशन किया, यहाँ पे फ्लक्चुएशन किया, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया फाइनली।
तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्लियर, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर दोनों का बॉटम बनना जरूरी है, मार्केट का भी बॉटम और पोजिशंस का भी बॉटम। अब ये बॉटम आपको कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, आप कैसे पहचानोगे कि भाई बॉटम सच में ये बॉटम ही है लाइव मार्केट में, ये भी सच, ये भी सवाल है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि जब ये बॉटम बना तब इसकी वैल्यू 0.42 थी, क्लियर, 0.42 थी, लेकिन उसके बाद कभी भी यहां पर 0.43 हुआ, 0.44 हुआ, 0.43 हुआ, मतलब कभी भी 0.42 के नीचे मार्केट गया ही नहीं पोजीशंस का, 0.42 के ऊपर ही कंसोलिडेशन हुआ। यानी कि जो वैल्यू है, यानी कि जो ये लाइन है, ये कभी भी इसके नीचे नहीं गई और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता रहा। ये मार्केट ऊपर ट्रेड क्यों करता रहा, क्योंकि यहां पर पोजीशंस का बॉटम बन चुका था और यहां पर पुट राइटर्स एक्टिव थे, ठीक है। तो यानी कि आपको यहां पर वैल्यू कल से दिखेगी, पोजीशंस की वैल्यू दिखेगी मिलती हुई, ठीक है। पोजीशंस की वैल्यू के बेसिस के ऊपर देखकर आप पता लग जाएगा आपको कि बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका। दूसरी चीज, जब तक 42 के नीचे क्लोज ना हो, जैसे कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, आपको दिख गया कि भाई 42 है यहाँ पे वैल्यू, और उसके बाद 42 आया ही नहीं, तो इसका मतलब 42 जो था वो पोजीशंस का वॉल्यूम, वो पोजीशंस का वो था, क्या कहते हैं उसको, बॉटम था, ठीक है, और उसके नीचे नहीं जा रहा मार्केट, काफी देर हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मार्केट वहां पर 42.42 के नीचे नहीं जा रहा, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पर इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे पुट राइटिंग की जा रही है कंसोलिडेशन के अंदर। और जब तक 42 के नीचे नहीं जाता तब तक आपको सेल साइड की पोजीशंस नहीं लेनी है। ये देखिए 43 के बाद यहां पर 48 हो गया और मार्केट ने फिर उसके बाद उछाल लेना शुरू कर दिया, और मार्केट की पोजीशन देखिए यहां पे कैसे इंक्रीज की है, बहुत तेजी से इंक्रीज की है, और साथ में मार्केट ने भी इंक्रीज किया है। तो मार्केट हमेशा पोजीशंस के बेसिस के ऊपर ही चलता है, क्लियर। और साथ में मैं आप लोगों के साथ तो रहूंगा ही रहूंगा लाइव मार्केट के अंदर, तो मैं आप लोगों को गाइड करता ही रहूंगा, लेकिन आपको एक खुद से आइडिया दे दिया है मैंने कि आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलती रहेंगी, इस लाइन की, ब्लू कलर की लाइन की वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी, तो वो आपको वैल्यू वाइज वैल्यू देखते रहना है कि कंसोलिडेशन के अंदर क्या आपका वैल्यू, जो बॉटम वाला वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 0.42 वैल्यू दिख रहा है वैल्यू आपको, तो क्या वो वैल्यू जब तक उसके नीचे ना जाए तब तक आपको बेरिश नहीं होना है। ये कंसोलिडेशन में ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज कोई ट्रेंड अगर चल रहा है तो वो ट्रेंड आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये ट्रेंड है, यहां से ट्रेंड नीचे का शुरू हुआ है, तो मार्केट को नीचे आना ही आना है, पोजीशंस नीचे, पोजीशंस अगर नीचे की तरफ जा रही है तो मार्केट नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जा सकता। पोजीशंस अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स भी नीचे आया और फाइनली फिर ऊपर भी चला गया, तो लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम जहां वहां पे आएगी केवल जहां पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो कंसोलिडेशन के अंदर आपको वैल्यूज देखनी है कि वैल्यू का बॉटम क्या है, और जब तक वो बॉटम जो है वैल्यू का ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ, तब तक आप सेल साइड के अंदर नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये था कुछ अपडेट। और आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, प्रॉफिट बुकिंग वहां करनी है जब ये पोजीशंस की डिक्रीज शुरू होना। देखो यहाँ पे पोजीशंस इंक्रीज होती गई होती गई होती गई, नीचे नहीं गिरा, ठीक है। अब पोजीशंस डिक्रीज कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है पोजीशंस डिक्रीज, यहां से मार्केट ने पोजीशंस प्रॉफिट बुकिंग आई है, यानी प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है और पोजीशंस डिक्रीज हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, यानी कि जब मार्केट की वैल्यू 12,880 थी, यानी कि यहाँ पर 880 के आसपास, ये इस पॉइंट के ऊपर इंडिकेटर जो पोजीशंस का था उसने पहले बार बता दिया था कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा का पूरा सिनारियो एडवांस में, इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर के मार्केट की वैल्यू क्या रहेगी और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। साथ में मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा ही रहूंगा। और अब बात आती है
कि आपको ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इंडिकेटर केवल और केवल लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा जो मेरे सपोर्ट ग्रुप में है, और सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको केवल एक ही कंडीशन है, और सपोर्ट ग्रुप जो है मैंने फुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया हुआ है। उसके लिए मेरे कोई मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपस्टॉक का एक लिंक मिलेगा, ठीक है, अपस्टॉक का एक लिंक मिलेगा और एंजल ब्रोकिंग का भी मिलेगा, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग का भी एक लिंक मिलेगा, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक के अंदर आप अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको बेनिफिट, तो फिर उसको उसका जो बेनिफिट है आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसकी यूजर आईडी, जो भी आपने अकाउंट ओपन किया है उसका यूजर आईडी मुझे दे दीजिएगा, प्लस नाम, जो आपका अकाउंट का नेम है, जिस नेम के ऊपर आपने अकाउंट ओपन किया है। ये दो चीज आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ओपन करने के बाद मैं आपको सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। जब तक आपका यूजर आईडी नहीं आएगा, क्रिएट नहीं होगा, अकाउंट ओपन करने के बाद कम से कम 24 घंटे लगते हैं, विदिन वन डे 24 आवर्स लगते हैं, आपको यूजर आईडी आ जाता है। जब तक आपका यूजर आईडी नहीं आएगा तब तक मैं आपको सपोर्ट ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा। तो सपोर्ट ग्रुप में ऐड करने के लिए आपको पहले अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद यूजर आईडी और नाम मेरे को व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो रहेगा 7982199952। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मेरे को अपना यूजर आईडी और ये अपना नाम, जैसे नाम से अकाउंट ओपन हुआ है, वो आप मेरे को सेंड करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। इसकी कंडीशन सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने की मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई सपोर्ट ग्रुप में तो आप क्या कहते हैं, आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे? तो दोस्तों फ्री में मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि फ्री की चीज की एक तो वैल्यू नहीं होती, दूसरी चीज फ्री में अगर मैं सबको बांटूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि दोस्त के सर आप मेरे को क्या कहते हैं इसको पैसों में बेच दो, या फिर इसको मैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या आपका इंडिकेटर पेड है, क्या आप मेरे को दे सकते हो, उसका चार्ज ले लो। तो अब मैं नहीं चाहता कि अपनी मेहनत में किसी को बेचूं। दूसरी चीज कि अगर मैं पब्लिक करता हूं इसको तो मेरी जो मेहनत है वो पूरी की पूरी कोई ना कोई यहाँ पे कॉपी पेस्ट जरूर मारेगा, जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं पेड प्रोग्राम चलाने वाले लोग हैं जो इसको जरूर कॉपी पेस्ट मारेगा। तो इसलिए मेरा पब्लिक करने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर इसको यूज करना है सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो जाइए। सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल आपको इसी स्क्रीन के साथ, और जो स्क्रीन रहेगी सपोर्ट ग्रुप में ही मिलेगी आपको लाइव मार्केट के अंदर, और आपको किस तरीके से यूज करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, और आई होप कि आपको ये इंडिकेटर बहुत अच्छा फायदा करे, और ये लाइफ टाइम इंडिकेटर चलने वाला है क्योंकि ऑप्शन चेन की जो पोजीशंस हैं वो उसी के बेसिस के ऊपर आपको हमेशा मार्केट चलती हुई दिखती है, और ऑप्शन चेन ही एक एडवांस इंडिकेटर है जो कि आपको हमेशा बताता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिगार्डिंग हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट ओपन होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।